साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की, गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए, क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी या आपकी इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इसे स्वीकार करेंगे? कमजोर देश आपको मंजूर है? शक्तिहीन देश आपको मंजूर है? क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? कमल पर वोट दबा करके उनको सजा देंगे? और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है।